हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर CONCACAF नेशंस लीग का मैच हो रहा है हॉन्डुरस वर्सेस मैक्सिको के बीच 7:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो देखो भाई, इन दोनों टीम के बीच एक मैच हुआ था जो 2-0 से मैक्सिको ने जीत लिया था। तो फिर पेनल्टी ऑप्शन दिया था इन्होंने, तो फिर मैक्सिको ने दो पेनल्टी पे गोल कर दिए थे, दो दो गोल वैसे किए, दो पेनल्टी पे किए, पेनल्टी में इनको पेनल्टीज मिली थी और हॉन्डुरस एक भी पेनल्टी गोल नहीं कर पाई थी। तो हॉन्डुरस को इतना बुरा हराया था, शायद वो सपने में भी सोच रहे होंगे आज कि आज कैसे हारना है या जीतना है। तो टेलीग्राम चैनल फिर बता दूँ भाई, लिंक नीचे है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप गलती से भूल ना जाएँ, क्योंकि यहाँ पर रात की टीमें ओपन आएंगी एंड आज ऑफर भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो सीधा चलते हैं भाई स्ट्राइकिंग की ओर। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इन्होंने कुछ नया लाए हैं, क्योंकि मैक्सिको बहुत पीछे हो रहा था, मैक्सिको फुटबॉल के अंदर बैक साइड जा रही थी, लेकिन इन्होंने ना इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस बड़े खेले हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस खेले हैं 16 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, पूरे अक्टूबर महीने और सितंबर के लास्ट वीक में, जिसमें अगर मैं सही बात करूं तो मैक्सिको बहुत प्रदर्शन में माहिर है और रॉल जिमेनेस इनका एक मेन प्लेयर है। लेकिन रॉल जिमेनेस अब जिस लीग में खेलता है या खेलता था, वो खेलता था वॉल्वरहैम्पटन। तो वॉल्वरहैम्पटन टीम प्रीमियर लीग की सबसे खस्ता, सबसे घटिया टीम है, तो वहाँ पर जिमेनेस का चलना है मुश्किल। लेकिन आज जीतना, आज जीतने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना गोल करके बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हेनरी मार्टिन, देखो भाई, हेनरी मार्टिन खेलता है USA लीग में, जो कि मैक्सिको का बॉर्डर लगता है, तो वो एक ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो हेनरी मार्टिन यहाँ भी चलेगा, और जे क्विनन्स खेलता है वहीं, क्या बोलते हैं, अपना मैक्सिकन लीग में, शायद मैं भूल गया हूँ यार, मेरे को शायद गलती लग रही है, मेरे हिसाब से हेनरी मार्टिन भी मैक्सिकन लीग में, इनके ना नाम एक जैसे हैं यार, कन्फ्यूज़न होती है। मैं सुबह के बहुत मैच कवर कर चुका हूँ और इतने नाम याद हो चुके हैं कि कई बार गलती हो जाती है। तो हेनरी मार्टिन को तो लेना ही है, क्योंकि आप जिमेनेस को ले चुके हो। अगर जिमेनेस और मार्टिन की जगह पे कोई नहीं खेलता तो आप क्विनन्स को भी ले सकते हो। क्विनन्स भी फॉर्म में है, सुप्लवेडा भी फॉर्म में है, मार्टिन ने भी अभी पिछले महीने या पिछले वीक दो गोल किए थे, और जिमेनेस तो ऐसे ही है नॉर्मल। उसके बाद अपोजिशन टीम की बात करें, देखिए हॉन्डुरस को हल्के में नहीं लेंगे, इसलिए रूबिलियो को ज़रूर लो। अगर रूबिलियो नहीं खेलता तो फिर आप ना जॉर्ज को लो, लेकिन प्लेयर उठाओ, प्लेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉन्डुरस टीम कैन डू गोल टुडे, क्योंकि आज मैक्सिको उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। और मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए ये ना ऊपर ऊपर बड़े अच्छे प्लेयर भेज देते हैं, तो लोगों का ध्यान नीचे ही नहीं जाता। अब क्या है कि अब एक बेवकूफ़ बंदा होगा तो वो ऊपर इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, फिर बोलेगा चल भाई दो मेरे प्लेयर आगे, लेकिन नहीं, आपने पहले लेना है सी हुएर्टा को। सी हुएर्टा ने इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में 16 अक्टूबर को एक गोल किया था। 16 अक्टूबर के बाद आज 16 नवंबर तक, पूरे एक महीने का गैप है, उस बीच में सी हुएर्टा ने अनेकों असिस्ट और अनेकों गोल डोमेस्टिक लेवल पे किए, इसलिए हुएर्टा का होना इतना ज़रूरी है कि शायद किसी भी प्लेयर का नहीं। उसकी जगह पर आपने किसी को नहीं लेना, हाँ अब जैसे हमने उसको ले लिया तो आप आगे जाके पिनेडा को ले सकते हो, क्योंकि एल्वरेस के साथ मैं नहीं जा रहा, मैं रिस्क ले रहा हूँ। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो के अरेआगा तो इनका मेन है, मतलब मैं तो इसको छोड़ता नहीं। बाकी पिंटो की बात करूँ तो पिंटो ने पता नहीं कोस्टा रिका के अगेंस्ट कैसे 50 पॉइंट दिए थे और इसने 6 सितंबर को कैसे गोल किया था, बट क्या है कि पिंटो इनका प्राइमरी प्लेयर है तो इसलिए मैं इसके साथ जाता हूँ। बाकी इसकी सिलेक्शन तो मेरे मायने नहीं रखती, जैसे अगर मैं चाहता तो मैं छोड़ सकता था, शायद मैं आपको उसके बारे में बताता भी ना, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है इसलिए मैं पिंटो को ज़रूर लूँगा। और आपके रिप्लेसमेंट की बात करें तो आप रिट रॉड्रिग उसको भी ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, देन यहाँ पर 3 प्लेयर आएंगे और तीनों के तीनों मैक्सिको के होंगे। द फर्स्ट वन इज़ गलेर्डो, सेकेंड वन मोंटिस। देखो निचले स्तर पर रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि क्या है कि सब्स्टिट्यूट एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंटरनेशनल मैचेस में, कभी भी उठा के कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट हार का कारण बनता है। सो जे सैंचेस के साथ सेफ जा रहा हूँ। एंड गोलकीपिंग में मैनजीवर। और कप्तान की बात करें तो मेरा जो कप्तान है भाई वो है रॉल जिमेनेस, भले ही वो नहीं चल रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस स्तर पे ये मैच है वहाँ पर जिमेनेस बहुत आगे रहेगा, तो पता चल गया सच्ची में गोल कर गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कप्तान रखो। वाइस कैप्टन लोग मार्टिन को रख रहे हैं ना, तो ठीक है आप रखने दो, आप हुएर्टा के साथ जाओ, क्योंकि मार्टिन का और जिमेनेस का खेलना श्योर नहीं है, इनमें से एक ही खेलेगा और उसको आप कैप्टन रखोगे। बस इतने में बात ख़त्म, ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।